बिहार राज्य में बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के ढोल नगाड़ों के साथ अच्छी तरीके से तैयारियां जो हैं चल रही हैं। आप स्क्रीन पर नोटिस जो है देख सकते हैं, 17 अगस्त 2023 मतलब आज का, और यहां पर सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं एग्जाम के संबंध में। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना। अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में BPSC SCERT पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि SCERT की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। हमने 23 किताबों का SCERT का जो निचोड़ PDF है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ईबुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है, सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है, साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे, या फिर आप मुझे इस नंबर 9455 2827 93 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है, और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, आप लोग समझ रहे होंगे। 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस SCERT को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे, और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। BPSC यही पूछेगा, क्योंकि SCERT आपके सिलेबस में दिया गया है। एग्जाम आपका 100% यहाँ पर BPSC। अब इस नोटिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेकंड प्रूफ मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, फर्स्ट प्रूफ तो यहाँ पर ये था कि जो ट्यूट आया हुआ था BPSC के चेयरमैन का, उसके माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि वहाँ पर कहा गया था कि हम होल्ड नहीं कर रहे हैं एग्जाम को, हम एग्जाम को टाइम पर करवा रहे हैं। सेकेंड प्रूफ आपका ये रहा, ये देखिए 17 अगस्त 2023 के डेट में जो नोटिस है वो जारी की गई है। विज्ञापन संख्या आपकी है 26/2023। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के संबंध में सभी जिलाधिकारी जो है और शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जो है यहाँ पर जारी की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उनकी तरफ से यहाँ पर लिखी गई, और शिक्षा विभाग जो है बिहार पटना यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आपकी जो परीक्षा है वो 24 अगस्त को, 25 अगस्त को और 26 अगस्त को दो दो पालियों में होगी। प्रथम पाली की टाइमिंग यहाँ पर बताई गई है, फिर द्वितीय पाली की यहाँ पर टाइमिंग बताई गई है, और इसमें कहा गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व में कतिपय परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण मोबाइल जैमर के अधिष्ठापन में काफ़ी कठिनाई हुई है। मतलब जो कैमरे वगैरह वहाँ लगाए जाएंगे, अगर वहाँ पर लाइट नहीं रहेगी, सप्लाई नहीं रहेगी लाइट की, तो फिर दिक्कत होगी, जो कैमरे हैं वो चल नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर कहा गया है कि लाइट आपकी पर्याप्त मात्रा में, जब तक आपकी परीक्षा हो तब तक लाइट जो है कटनी नहीं चाहिए, लाइट यहाँ पर होनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बिहार में जो भी एग्जाम देने चल रहे हैं, चाहे बीएड वाले हों चाहे डीएलएड वाले हों, सभी को SCERT पढ़ करके जाना है। SCERT डायरेक्ट बाई करने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बाकी आपने अच्छी तरीके से डेमो देख लिया। अगर आप 8 घंटे पढ़ लेते हैं तो SCERT कवर आपकी हो जाएगी, और फिर आप 4 घंटे देकर के रिविजन कर सकते हैं। 70+ नंबर आपके डायरेक्ट यहाँ SCERT से आ जाएंगे, SCERT आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर देख लिया, लाइट के बारे में बात कही गई है। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा कक्ष में विद्युत की पूर्ण व्यवस्था यथा विद्युत कनेक्शन, वायरिंग, स्विच बोर्ड तथा प्रत्येक कमरों के फर्नीचर, दीवार, घड़ी इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का अनुरोध यहाँ पर किया गया है। आपके वहाँ पर जब आप जाएंगे तो रूम में दीवार घड़ी भी लगी होगी, अगर नहीं लगी होगी तो आप जो है टीचर से डायरेक्ट डिमांड करके दीवार घड़ी किसी भी तरीके से मंगवा करके आप लगवा सकते हैं, चूँकि आप पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर ये बातें कही गई हैं, और बाकी आपको जो है क्या क्या लेकर के जाना है ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेकर के जाना है, और बाकी जो 21 तारीख से आपका मेन एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। खैर, लगातार अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा है यहाँ पर टाली जाए, लेकिन बिहार सरकार यहाँ पर बिल्कुल भी चू नहीं कर रही है, और अगर ये परीक्षा कंडक्ट करवा लेती है तो आप मान के चलिए 100% कोर्ट आप कंडक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। जब गजट ही रद्द कर दिया गया है तो बीएड वाले जो है किस तरीके से आप जो है इसमें सम्मिलित करें, इसमें एक ही तरीका था कि NCTE को जो है आप केंद्र सरकार को पत्र लिखते हुए आग्रह करते कि हमारे वहाँ पर पर्याप्त संख्या में बीएड शिक्षाधारी नहीं है, और फिर
केंद्र सरकार एनसीटीई को पत्र लिखती और एनसीटीई पुनः जो है अप्रूवल देता केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार पुनः जो है पत्र को जो है ट्रांसफर करती बिहार सरकार के पास, तब जाकर के जो बीएड वाले हैं वो यहाँ पर सेफ हो पाते, चूंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची के अंतर्गत है और जाहिर सी बात है बीएड को 5 साल के लिए यहाँ पर सम्मिलित किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन इन सब के लिए रिटर्न में जो है प्रूफ होना चाहिए और रिटर्न में सारा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से परीक्षा करवा रहे हैं इसमें बीएड वालों को मना बिल्कुल नहीं करेंगे, परीक्षा इनके भी ले लेंगे, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल यहाँ पर 100% अंततः बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाह रहा था परीक्षा कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हो जाए और इसके बाद परीक्षा जो है यहाँ पर करवाई जाए एनसीटीई से अप्रूवल लेते हुए, ताकि बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बाहर ना हो, और ये खुद देखिए काम जो है बिहार सरकार कर रही है बीएड को बाहर करने के लिए। यहाँ पर फिर कहा गया परीक्षा के कदाचार रहित स्वच्छ शांतिपूर्ण एवं सफल संचालन हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपया यहाँ पर करें। बाकी आप सभी को पता है कि एनसीटीई के आज जो है सेलिब्रेशन डे था और 29 वह जो है फाउंडेशन यहाँ पर डे था, मतलब आप समझ लीजिए कि 29 साल हो चुके हैं ये एनसीटीए बने हुए, और इस तरीके से आप समझिए मोटा मोटा कि यहाँ पर 29 तारीख को बर्थडे था एक तरीके से एनसीटीए का, जो कि यहाँ पर सक्सेसफुल संपन्न कर लिया गया है। और अब लगातार अभ्यर्थी यही गुहार कर रहे हैं कि एनसीटीए अपना पक्ष जल्द से जल्द रखे, रिव्यू पिटिशनर जो है वो हाई सुप्रीम कोर्ट में दायर करें और बीएड को किसी भी तरीके से यहाँ पर बचाए। बाकी आज कोई भी मीटिंग जो है एनसीटीई की और शिक्षा विभाग की नहीं हो रही थी, एनसीटीई अपना जो है सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहा था 29th नंबर का, तो ये अपडेट यहाँ पर थी। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपने देखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एससीईआरटी जरूर खरीदिए।